गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूर पॉलिटिकल साइंस टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर फर्स्ट, द कोल्ड वार एरा। टुडेज आवर टॉपिक इज चैलेंजेस ऑफ बाइपोलरिटी, यानी जो बाइपोलरिटी सिस्टम था उस समय का। बाइपोलरिटी मतलब दो पावर हो जिसके अंदर टू पावर्स की हेजेमनी, उसको बाइपोलरिटी बोलते हैं। पोलरिटी जो वर्ड है, पोलर से लिया गया है। पोलर का मतलब है वन पावर, यानी जिसका डोमिनेंस हो उसको पोलर बोलते हैं। यानी जैसे ध्रुव का है इसका हिंदी के अंदर मतलब, तो यहाँ पर बाइपोलरिटी है। बाई का मतलब द्वी, यानी टू। तो टू पोलर कौन से थे उस समय? यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। ये टू पोलर्स क्या थे उस समय थे, यानी दो पावर्स थी जिनका डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड टू पावर्स के बीच में डिवाइडेड था। अगर यूनिपोलर आ जाए तो उस समय एक ही पावर होती थी, जैसे कि यूएसए, जो अगले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और मल्टीपोलरिटी सिस्टम कहा जाए जिसमें अंदर दो से ज़्यादा पावर्स जिसके अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट कहा जा सकता है चाइना है, यूएसए है, रसिया है, इंडिया है, तो काफ़ी सारी पावर्स होती है, उसको मल्टीपोलरिटी एरा कहा जाता है। तो यहाँ उस समय क्या है, जब कोल्ड वार एरा चल रहा था तो बाइपोलरिटी सिस्टम था, यानी दो पावर थी यूएसए और यूएसएसआर। इन दोनों पावर्स के बीच में अनेक तरह की मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो इसमें ये बताना कि चैलेंजेस कौन से थे, यानी उसी टाइम पीरियड में कौन से ऐसे चैलेंजेस आए जो बाइपोलरिटी को रोक रहे थे, उसको स्टॉप लगा रहे, बैरियर्स लगा रहे थे उसके आगे, उनके बारे में बताना। तो आपके बुक में दे रखा है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी नाम जिसको बोलते थे NAM, नाम हिंदी के अंदर बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी एक ऐसा मूवमेंट जो किसी भी मिलिट्री ब्लॉक्स में शामिल ना होने की बात करता है, उसको नॉन अलाइन मूवमेंट कहा गया था। अब पीछे आपने पढ़ा था नेटो, सेंटो, सीटो, इस तरह के मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए गए थे। पूरे वर्ल्ड दो गुटों में डिवाइड हो चुका था, एक यूएसएसआर का गुट था, एक यूएसए का गुट था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये कहता है कि हम किसी भी गुट के अंदर नहीं जाएंगे, किसी भी अलाइन के अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए इसका नाम ही नॉन अलाइन मूवमेंट रख दिया गया। लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट में और न्यूट्रल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपकी बुक में भी पूछा गया है कि नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रल के अंदर डिफरेंस क्या है। तो न्यूट्रल तो वो होता है जो किसी का भी फेवर ना ले, उसको कुछ लेना देना नहीं है। मान लो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो जो दूसरे कंट्री है वो किसी में भी इन्वॉल्व ना करे, यानी वो आँख बंद करके बैठ जाए, वो न्यूट्रल कहलाता है, यानी वो तट किसी के पास साथ नहीं है। लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी के साथ भी या दोनों के साथ भी रिलेशन बना सकता है। ये डिफरेंस है न्यूट्रल के अंदर और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर। न्यूट्रल कंट्री क्या है, किसी भी कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग दोनों कंट्री के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी वो चुप नहीं बैठेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, बल्कि अपनी बात रखेगा, इंडिपेंडेंटली रखेगा, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहलाता है। इनके बीच में जो बैठकें हैं वो 1956 से स्टार्ट हो जाती है, वैसे तो फ्रीडम के बाद ही हो जाती है 47-48 से ही, लेकिन ये जो बन के आता है इनकी फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है, जो पहला सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की सितंबर 1996 में, उसी से क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इस्टेब्लिश डे माना जाता है। तो सितंबर 1996, इसको जो बनाने वाले हैं ये फाइव है, इनके नेम भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे जो मेन रोल है वो इंडिया के जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उनका था। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और इनके साथ में जो दूसरे कंट्री हैं, ये आपकी बुक में NCERT की बुक में पिक्चर के साथ दिए हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, दूसरे जो हैं इन सभी का। तो जो दूसरे थे जोसेफ ब्रोंस टिटो थे, जो यूगोस्लाविया के उस समय के प्रेसिडेंट थे। अगले थे नासिर, जो इजिप्ट से बिलोंग करते थे, सुकरानो जो इंडोनेशिया थे, और क्वामे नक्रुमो वो घाना के उस समय के पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो इसमें से ज्यादातर वो कंट्री है जो ज्यादा पावरफुल नहीं है, उस समय के इंडिपेंडेंट न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री हैं जिनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं थी। तो इसलिए इन सभी कंट्री ने मिलकर के अपने आप की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम रखा गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कुछ मान लो यूएसए में चले जाते हैं, कुछ यूएसएसआर में चले जाते हैं, तो होगा क्या, वर्ल्ड फिर से पूरा वर्ल्ड क्या है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर से आने वाले टाइम में क्या है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक थर्ड ही पॉलिसी अपनाई कि जिसके अंदर न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री अपनी सोवरनिटी को अपनाए रख सकते हैं, अपनी प्रभुता को अपनाए रख सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कोई भी ये कह सकते हैं कि डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग के अंदर इसमें सिर्फ 25 मेंबर्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 125 मेंबर प्लस 25 क्या है ऑब्जर्वर कंट्री भी इसके मेंबर हैं, यानी 125 इसके मेंबर्स हैं और
25, और इसके साथ साथ क्या है 25 इसके ऑब्जर्वर कंट्री भी है जो इसकी मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी वोटिंग पावर उनके पास नहीं होती। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। इस मूवमेंट के बारे में ये पूछ लिया जाता है कई बार, चलो ये उस समय कोल्ड वॉर ही था, उस समय दो पावर थी, बाइपोलरिटी थी, उसको चैलेंजेस करने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाए। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही की हेजेमनी है, उसके बाद या मल्टीपोलरिटी सिस्टम आ चुका है हम ये कह सकते हैं। तो आज क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नीड क्या है, तो ये आपके व्यूज़ पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो आज भी क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक तरह के स्टेज का काम करता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है। तो उन सब के लिए एक स्टेज के रूप में काम क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी कंट्री वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज़ के मेंबर भी हैं, 125 है, कुछ ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर जो कंट्री हैं वो ये कह सकते हैं कि ज़्यादा पावरफुल वाले कंट्री नहीं है, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री ही ज़्यादा है, जो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है वो इसके मेंबर नहीं है। तो इसलिए क्या है ये उनके लिए एक स्टेज का काम करता है, इसी कारण इसकी इम्पोर्टेंस आज बनी रह सकती है, यानी फिर भी हमें इसकी नीड है, यानी इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि आज के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोई काम नहीं है, तो इसलिए इसको क्या है डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है इसको डिसॉल्व नहीं करना चाहिए था, दूसरे किसी ऑप्शंस को, दूसरे कोई ऑब्जेक्टिव लेकर के क्या है हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ क्या है एक बॉक्स में पंचशील के बारे में पूछा गया है, पंचशील क्या है, तो इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप है, इंडियन सिनो जो रिलेशनशिप है उनके लिए क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के चाइना के प्रेजिडेंट जियाओ अनलाई के बीच में 1954 के अंदर कोलंबो के अंदर, श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो के अंदर क्या है एक ट्रीटी हुई थी एक तरह से, जिसका नाम रखा गया था पंचशील, जिसमें 5 रेस्टेंस से 5 सिद्धांत दिए गए थे, एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर वार नहीं करेंगे, इस तरह के 5 क्या है रेस्टेंस रखे गए थे, पाबंदियाँ लगाई दी गई थी एक दूसरे के ऊपर, ताकि इन दोनों के रिलेशन अच्छे से बने रहे। तो ये कोलंबो में हुई थी, लेकिन 1961 में जैसे ही 61-2 के अंदर जैसे ही चाइना ने इंडिया के ऊपर वॉर किया था, इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद ये पंचशील की वैल्यू भी क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके साथ ये पंचशील भी टूट जाता है। तो इस तरह से क्या है ये हमारे टॉपिक के अंदर जो चैलेंजेस वो बायपोलिटी उनके बारे में दिया गया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।